मेरी ये सजेशन होगी कि इनको एक्सटेंड किया जाए कचहरी को, ताकि वो चैम्बर हर स्टूडेंट हर जो है वकला उसको मिल सके, उसको फिर प्रॉपर ब्रीफ आएगा, जब ब्रीफ आएगा तो उसके बैठने के लिए जगह होगी तो उसके पास आएगा। अदरवाइज जो वकला है ये बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है, ये जब कचहरी बनी थी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ये ठीक है, ठीक था, लेकिन अब क्योंकि ये अब बहुत देर हो चुकी है, 100 साल के करीब होने के करीब है, तो अब बिल्कुल भी जो जगह नहीं है इधर, और पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बिल्कुल जो है इसमें कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई पानी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, कोई खाने पीने के लिए कोई भी जो प्रॉपर इसका होना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए बाहर की तरफ से, वो भी कोई नहीं है। और मेरा ये होगा कि वो एक प्रॉपर कमेटी तश्कील दी जाए जो इन सब हालात को जो है वो उसको प्रॉपरली जो है वो डील करे, जो नौजवान यंगस्टर हैं इनको बाकायदा जो है इंस्टीट्यूट किया जाए, और किस तरह कोर्ट में जाना है, एथिक्स सिखाए जाएँ। इसी की वजह से जब हम अपने जूनियर्स को नहीं ये बताते तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, नॉलेज की कमी हो रही है, स्टूडेंट्स जो है वो बुक से दूर जा रहे हैं। इस तरह जो है आने वाले ज़माने में या नियर फ्यूचर में ये बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे हमारे लिए।